तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाली कंपनी है। और आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट पर अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करने लगा है। और आज की लगभग 15.5% की तेजी के बाद इस स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई का भी ब्रेकआउट देके एक नया इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस और इसके टारगेट के एनालिसिस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी चलकर पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता दोस्तों कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1075 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में एक अच्छी तेजी के बाद इसने 15.82% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 16,015 करोड़ का है। स्टॉक पी 5.91, आरओसी बहुत ही बेहतरीन है 34.6% एंड आरओई तो और भी अच्छा है 36.5% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 260 का इसका लो था और 1099 रुपए का इसने हाई लगाया, यानी कि बम्पर तेजी देखने को मिली है पिछले एक सालों में। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग में काम करती है और लुब्रिकेटिंग ऑयल एडिटिव्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। ये दोस्तों इसका पिछले 3 सालों का चार्ट है और इसमें बम्पर तेजी देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेब्ट जो है वो रिड्यूस किया है। इसका जो सीएजीआर है पिछले 5 सालों में वो 71.2% से ग्रोथ किया है, आरओई 53.9% से ग्रोथ किया है और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो 22.5 दिन से 17 दिन पर रिड्यूस होकर आ चुका है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ खास इसमें देखने को है नहीं। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है ये रिफाइनरी सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, CPCL और गंधार ऑयल रिफाइनरी जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। ये सेक्टर दोस्तों भारत के विकास के लिए बहुत ही जरूरी सेक्टर है। तो अगर हम CPCL के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 8,737 करोड़ था, मार्च 2022 में 16,412 करोड़, मार्च 2023 में 18,009 करोड़ और मार्च 2024 17,720 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 232 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में 994 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट, मार्च 2023 में 1004 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 612 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। आज इसका रिजल्ट आया है इसीलिए स्टॉक में एक बम्पर तेजी देखने को मिली है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 42,883 करोड़ था, मार्च 2017 में 27,522 करोड़, मार्च 2020 में 36,973 करोड़ और मार्च 2024 में 66,385 करोड़ का बम्पर सेल्स देखा गया। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2013 में इसमें माइनस का 1767 करोड़ का लॉस था, जो मार्च 2017 में 1030 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मार्च 2020 में माइनस का 2078 करोड़ का लॉस हुआ और वहीं पर मार्च 2024 में 2711 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। बाकी अगर हम इसके सीएजीआर की चर्चा करते हैं तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 30% की रेट से, पिछले 5 सालों में 33% की रेट से, पिछले 3 सालों में 119% के बम्पर रिटर्न के साथ और पिछले 1 साल में तो 315% का क्या बेहतरीन रिजल्ट दिया है इस कंपनी ने। यानी कि स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने भी इस कंपनी में पिछले 3-4 सालों में इन्वेस्ट किया उन लोगों ने इससे बम्पर पैसा छापा, बहुत सारा पैसा छापा। इसके बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों तो 5,905 करोड़ का उधार था इस कंपनी के ऊपर मार्च 2013 में, मार्च 2016 में 4,567 करोड़, मार्च 2019 में 6,121 करोड़, मार्च 2022 में 8,738 करोड़ और मार्च 2024 में 2,786 करोड़ का उधार रहा है इस कंपनी के ऊपर। तो देखा जाए तो लोन धीरे धीरे करके अब कम ही हुआ है। वहीं पर टोटल असेट की बात करें तो जहां 14,000 करोड़ का असेट था मार्च 2013 में, मार्च 2016 में 10,358 करोड़ हुआ, मार्च 2019 में 13,955 करोड़, मार्च 2022 में 17,327 करोड़ और मार्च 2024 तक 18,103 करोड़ का असेट है इस कंपनी के पास। और इसकी तुलना में जो इसका डेब्ट है वो काफी मैनेजेबल है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 67.29% थी वही मार्च 2024 में 67.29% ही है, यानी कि इसके प्रमोटर्स ने इसकी होल्डिंग के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, न तो उन्होंने पोजीशन बढ़ाया है और न ही घटाया है। बात FIIs की करें तो 2.22% से 15.86% हुआ, यानी कि FIIs ने यहां पर बम्पर पोजीशन बढ़ाई है। DIIs की बात करें तो 7.18% से 0.75% करी है, यानी कि DIIs ने लगभग अपना सारा माल बेच दिया है। वहीं पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग 23.31% से 16.11% हुई है। बाकी दोस्तों अगर हम चेन्नई पेट्रो के
फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपका कैपेक्स वर्सेस आरओसी है जो काफी बेहतरीन है। आरओई पिछले 10 सालों में काफी तेजी से ग्रो किया है। डेप्रिसिएशन इफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। वर्किंग कैपिटल काफी बेहतरीन है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की होल्डिंग अच्छी खासी बरकरार है और डेप्ट जो है कंपनी का वो मैनेजेबल है। हाँ, शेयर प्राइस इसमें दिखा रहा है कि नहीं बढ़ा है तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों दिखा रहा है, लेकिन शेयर प्राइस ने भी काफी अच्छी ग्रोथ करी है। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में इन्होंने अपना कोई भी स्टेक बेचा नहीं है। अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 4.10% का इसके पास मार्केट है मंथली रिफाइनरी प्रोडक्शन में एंड 5% का इसके पास मार्केट शेयर है ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी सेगमेंट में। दोस्तों, अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो हाई स्पीड डीजल है उसमें 46% का प्रोडक्ट है, हैवी एंड्स 13%, मोटर स्प्रिट 10%, एविएशन टर्बाइन फ्यूल 8% एंड नैप्था 7%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से ही 100% बिजनेस इसका आता है। तो दोस्तों, हम लोग वापस से चेन्नई पेट्रो के चार्ट पर आ चुके हैं और जैसा कि आप देखेंगे इसमें इस लेवल का ब्रेकआउट 450 लेवल का जो एरिया है यहाँ पर इसने 2008 वाली रैली में भी यहीं से मुड़ा था, काफी सालों तक नीचे ही रहा। इसने दोबारा कोशिश किया 2018 में बाहर निकलने का लेकिन वहां भी नहीं निकल पाया और अब जाके 2023 में इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद इसने बम्पर तेजी दिखाई है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ पर जो आपको एंट्री मिल रही है वो आपकी यहाँ पर एंट्री तो है ब्रेकआउट के साथ, लेकिन आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा एरिया है। आपको 750 वाले एरिया पे स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। बाकी आप इस स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए भी कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। आप जो चार्ट देखेंगे उसी हिसाब से स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाइएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।